डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डी फ्लिप फ्लॉप, और डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में हम लोग सारी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दी है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो देखो, स्टार्ट करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम ट्रांसपेरेंट लैच या फिर ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं, ये एक्चुअल में स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं। दोनों, जो डी फ्लिप फ्लॉप है और टी फ्लिप फ्लॉप हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ये दोनों ही स्पेशली डिजाइन किए हुए हैं। मैं आपको फटाफट से पहले इसके ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करता हूं। तो देखो, यहां पे अगर हम बात करें इसके ब्लॉक डायग्राम की, तो इस तरीके से हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। यहां पे हमारे पास सिंगल इनपुट है डी, सिंगल इनपुट होती है डी। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो मेरे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये ट्रिगर कब होती हैं, जब हम इसको क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डी इनपुट हो गई और एक क्लॉक हो गई, और आउटपुट मेरे पास वही दो आती हैं, एक तो क्यू एन आती है और एक क्यू एन का बार। ठीक है, एक क्यू होगी और एक क्यू एन का बार होगी। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप का सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। अब इसमें हम ट्रांसपेरेंट लैच या फिर इसको हम सिंपली स्टोरेज भी बोल देते हैं, स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि अगर हमने इनपुट में दिया जीरो तो यहां पे आउटपुट में क्या आएगा, जीरो। मतलब जो हम इनपुट देंगे वही आपका, जो हम डेटा देंगे वही डेटा आपका आउटपुट में आएगा। अगर हम वन देंगे तो आउटपुट में भी क्या आएगा, वन ही आएगा। तो इसका अगर हमने सिंपल सा करेक्टरिस्टिक, अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो सिंपल सी बात है कि डी और क्यू एन प्लस वन, हमारे पास दो ही चीजें होंगी यहां पे, और डी सिंगल इनपुट है तो दो ही कॉम्बिनेशन है, जीरो और वन। तो जीरो में क्या आई, जीरो, वन में क्या आया, वन। ये तो हो गया सिंपल सा ट्रुथ टेबल। मेन अगर हम बात करें इसके करैक्टरिस्टिक टेबल की, तो करैक्टरिस्टिक टेबल में हमारे पास यहां पे क्या आ गया, एक तो डी आ गया और एक प्रेजेंट आउटपुट आ गई, और इन दोनों के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट विल बी द नेक्स्ट आउटपुट। ठीक है, दैट इज क्यू एन प्लस वन। तो यहां पे मेरे पास दो ही कॉम्बिनेशन है, मतलब दो इनपुट्स है तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो फटाफट से वो कॉम्बिनेशन लिख लिए, डी Qn, Qn plus 1, तो यहाँ पे 00, 01, 10, 11। अब देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वही आपकी आउटपुट आ रही है, मतलब जो हम D में वैल्यू डाल रहे हैं वही आपकी आउटपुट आ रही है, irrespective of present में आउटपुट क्या है, मतलब इसमें क्या वैल्यू है, एक तरह से इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं कर रहे। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वही मेरी आउटपुट आ रही है, that's it। ठीक है, तो इसको as it is इसी तरीके से बहुत सिंपल है याद रखना कि जो मेरी D में वैल्यू दी वही मेरी आउटपुट आई, मतलब इसका कोई प्रेजेंट आउटपुट का यहां पर यूज ही नहीं है। तो अगर इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें लिखनी हो तो वो क्या लिखोगे, क्यू एन प्लस वन। इसमें तो आपको SR या JK की तरह KMFC और वो सब करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां पे देखो जो मेरी आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ D के ऊपर, D में जो डाल रहे हैं वही एज इट इज आ रही है। तो इसकी आउटपुट एक तरह से करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या आएगा, D आएगा, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू हैव टू डिराइव द करैक्टरिस्टिक टेबल एंड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ D। और फाइनली अगर हम बात करें इसके एक्साइटेशन टेबल की, तो एक्साइटेशन टेबल में क्या आ गया, क्यू एन, क्यू एन प्लस वन, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट क्या है, डी। तो मेरे पास वही चार कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनेंगे, तो वो मैंने लिख लिए। अब देखो, मैं यहाँ पे आउटपुट क्या चाहता हूँ, जीरो चाहता हूँ। ठीक है, मेरी प्रेजेंट में क्या है, जीरो। तो मैं इनपुट ऐसी क्या दूं कि मेरे आउटपुट में आए जीरो, यही होता है ना एक्साइटेशन, कि मैं इनपुट में ऐसा क्या दूं, आउटपुट मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरी आउटपुट ये आनी चाहिए, तो आउटपुट मेरी ये आनी चाहिए, तो मैं प्रेजेंट में ऐसा क्या दूं कि मेरी आउटपुट ये आए। तो भैया, प्रेजेंट में आप जीरो दो ताकि आपका जीरो आए, प्रेजेंट में आप वन दो ताकि आपका वन आए, प्रेजेंट में आप जीरो दो ताकि आपका जीरो आए, प्रेजेंट में आप वन दो ताकि आपका वन आए। बस चाहे ऐसे डिराइव कर लो या हम जैसा कि करते हैं, देखो क्यू एन और क्यू एन प्लस वन में जीरो जीरो कहां पे है, ये रहा जी जीरो जीरो। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी की वैल्यू क्या है, जीरो। लो जी, सही है, जीरो वन। तो जीरो वन के केस में डी की वैल्यू क्या है, वन। तो लो जी, चाहे ऐसे निकाल लो, वन जीरो के केस में D की वैल्यू क्या है, जीरो। लो जी, ऐसे निकालो, वन वन के केस में मेरी D की वैल्यू क्या है, वन। ऐसे चाहे ऐसे करके निकालो। वैसे एक्साइटेशन टेबल होता क्या है, वो आपको बताता है कि मैं ऐसी क्या इनपुट दूं कि मेरी आउटपुट जो है वो इस तरीके से आए। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे, जैसे हमने SR और JK में किया था। सो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और इसको सिंपल है, चाहे आप SR से डिराइव कर लो चाहे आप JK से डिराइव कर लो। जैसे देखो, SR फ्लिप फ्लॉप हमने ऑलरेडी की है, ये SR फ्लिप फ्लॉप था। अब इस SR फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास एक इनपुट ये थी, ठीक है, और यहां पे हमने क्या कर दिया,
इस तरीके से एक इन्वर्टर या नॉट गेट लगा दिया और ये हमने ऐसे आउटपुट दे दी और ये अपने पास डी आ गया। लो जी, मतलब डी की वैल्यू जो एस और आर था ना उसको हमने कंबाइन कर दिया, एस में क्या दे दी एक तरह से डी दे दी और उसका इन्वर्टर मतलब नॉट गेट लगा के हमने उसकी वैल्यू आर में डाल दी। तो लो जी, ये आपका एक तरह से डी फ्लिप फ्लॉप बन गया फ्रॉम जेके, फ्रॉम एसआर। ठीक है, जेके से भी बनाना है तो जेके से भी कुछ भी नहीं करना, बस यहां से हम वो आउटपुट देते हैं और जेके में भी यहां पे जो है वो आपकी एज इट इज यही सेम आपकी इनपुट्स रहेंगी। वैसे मैं आपको ये पूरी डिटेल में बताऊंगा जब हम कन्वर्ट करेंगे, जेके से डी कन्वर्ट करेंगे एसआर से डी, तब आपको और क्लैरिटी होगी। यहां पे देखो सिंपल, अब डी में देखो आपने जीरो दी, डी में अगर जीरो दी तो यहां पे देखो जीरो गई। अब आपको पता है कि जो नैंड गेट है वो क्या आउटपुट देता है, वन देता है, तो यहां पे जीरो गई तो नॉट गेट ने यहां पे क्या कर दिया, वन। और ये क्लॉक में तो ऑलरेडी मैंने अप कर ही रखी है क्लॉक, तो वन वन एक तरह से यहां पे क्या होगा, जीरो। अब देखो एसआर यहां पे क्या है, एसआर लैच है, ये क्या है एसआर लैच। जब एसआर लैच में वन जीरो देते हैं तो आउटपुट क्या आती है, जीरो आती है। तो देख लो जी, आपने जीरो डाली थी और जीरो ही आपकी आउटपुट में आई। ऐसी अगर आप वन देते हो, वन देते हो तो यहां पे क्या आ जाएगी, जीरो जाएगी। तो ये क्या होगी, एक तरह से वन होगी और ये क्या होगी, जीरो। तो जीरो वन के केस में आउटपुट क्या आती है, वन आती है। लो जी, आपने यहां पे वन दी थी और आउटपुट भी क्या आई, वन। ठीक है, वही तो हम बार बार बोल रहे हैं कि डी में जो इनपुट देते हो वही आउटपुट आती है। अब जैसे मर्जी डिराइव कर लो, आपको मैंने सारे ही तरीके यहां पे एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू।